आज के इस वीडियो में हम क्रेना एनसीआर टेबलेट के बारे में बात करेंगे। इस टेबलेट को डॉक्टर आपको कब कब देते हैं, कितनी मात्रा में दे सकते हैं और इसके क्या साइड इफेक्ट रहते हैं, आप कितने लंबे समय तक इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में वीडियो में विस्तार से बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। क्रेना एनसीआर टेबलेट आपको कब कब दी जाती है, तो इसके बहुत सारे कारण रहते हैं या बहुत सारे डिजीज रहती है जब हम इस दवाई को प्रेफर करते हैं। जनरली ये दवाई 5 mg, 10 mg और 15 mg में अवेलेबल रहती है मार्केट में। क्रेना एनसीआर के नाम से ही आपको ये मार्केट में अवेलेबल होती है। इसके अंदर जो ड्रग्स रहता है या कंपोजिशन रहता है वो नॉर्थस्टेरोन रहता है, वो 5 mg, 10 mg एंड 15 mg में अवेलेबल रहती है। डोजेज आपके डॉक्टर डिसाइड करते हैं कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस रिगार्डिंग मेडिसिन प्रिस्क्राइब की है, उस हिसाब से आपके डोजेज डिसाइड किए जाते हैं। डोज आपको डिसाइड करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आपको डॉक्टर से संपर्क करना चाहिए। डोजेज डिसाइड करना डॉक्टर का काम है। ये वीडियो सिर्फ आपकी जानकारी के लिए बनाया गया है ताकि आप इसको देखें और समझें कि डॉक्टर इसको कब कब देते हैं, और अगर इससे रिलेटेड आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो इस वीडियो को देख करके आप समझ सकते हैं। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट ऐसे रहते ट्रीटमेंट किसी दूसरे डॉक्टर से ले रहे और आए दिन सवाल करते कि हमें ऐसा हो रहा है, हमें वैसा क्यों हो रहा है, हमें इतनी मात्रा क्यों दी ऐसा। तो ये हर एक पेशेंट की बॉडी पे भी डिपेंड करता है कि आपको क्या प्रॉब्लम है, किस हिसाब से आपके डॉक्टर ने दवाई दी है। तो अगर ऐसे कोई भी सवाल रहते हैं तो आपको अपने डॉक्टर से ही जाके बात करनी चाहिए, क्योंकि आपके डॉक्टर आपको अच्छे से गाइड कर पाएंगे कि भाई आपको क्या प्रॉब्लम है और उन्होंने आपको क्यों दे रखा। तो हम बात करते हैं कि क्रेना एनसीआर टेबलेट को कब कब आपको दिया जाता है। तो जनरली कुछ प्रॉब्लम्स रहती है, जैसे एमिनोरिया, यानी कि महिला के पीरियड मिस हो रहे हैं, प्रेगनेंसी टेस्ट भी नेगेटिव आ रहा है, तब उस कंडीशन में पीरियड लाने के लिए इस दवाई को दी जाती है। पीरियड लाने के लिए डोजेस डिफरेंट रहते हैं कि आपके पीरियड कितने महीने से नहीं आए हैं, आपका वज़न कितना है, आपकी एज कितनी है, ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती है। जनरली 10 mg की सुबह और 10 mg की शाम को 5 दिन, 3 दिन, 7 दिन के लिए दे सकते हैं। इसके बाद में कभी कभी हम पीरियड डिले करने के लिए भी दे सकते हैं, क्योंकि इसमें सिंथेटिक प्रोजेस्टेरोन रहता है, तो जब तक ये दवाई आप खाते हैं आपके पीरियड डिले हो जाएंगे। जैसे ये दवाई बंद करते हैं, यानी कि आपको 4 दिन डिले करना है, 5 दिन, 10 दिन, मिनिमम हम 15 दिन तक पीरियड डिले कर सकते हैं, इससे ज़्यादा पीरियड डिले नहीं होता है। फिर अगर आप मेडिसिन लेते भी रहेंगे तो भी आपके पीरियड्स स्टार्ट हो जाएंगे। तो ज़्यादा दिनों के लिए नहीं करें, 2-5 दिन, 7 दिन के लिए आप जनरली कर सकते हैं। तो जैसे ही आपकी दवाई ख़त्म होगी 3-4 दिन बाद आपके पीरियड यानी कि ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके बाद जिन महिलाओं को एंडोमेट्रोसिस होता है, ये बच्चेदानी की एक बीमारी होती है जो एंडोमेट्रियम की लाइनिंग बच्चेदानी से बाहर की तरफ आके फैल गई है, यानी कि फैलोपियन ट्यूब पे हो सकती है, ओवरी में हो सकती है, बच्चेदानी से बाहर हो सकती है, पेट में हो सकती है, आंतों में, कहीं भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग जाके चिपक गई, तो उस कंडीशन को एंडोमेट्रोसिस बोला जाता है कि बच्चेदानी के बाहर भी एंडोमेट्रियम की लाइनिंग आ गई। तो एंडोमेट्रोसिस यानी कि इस बीमारी को कंट्रोल करने के लिए दे सकते। एंडोमेट्रोसिस एक ऐसी बीमारी है जो कभी भी ख़त्म नहीं होती है, या तो उसको रिमूव ही करना पड़ता है तभी जाके उस पर कंट्रोल पाया जा सकता है, और इन दवाइयों से उसको कंट्रोल करके रखा जाता है। इसके बाद में जिन महिलाओं को PMS की प्रॉब्लम होती है, यानी कि पीरियड आने से पहले या पीरियड के दौरान बहुत ज़्यादा पेट में दर्द होता है, क्रैम्प्स आते हैं, कमर दर्द होता है, पेड़ू दर्द होता है, किसी किसी को बहुत हैवी ब्लीडिंग होती है, ब्लड क्लॉट्स आते, तो इन सभी कंडीशन में क्रेना एनसीआर टेबलेट आपको प्रिस्क्राइब की जाती है। इसके बाद में एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग, यानी कि पीरियड कभी आ गया, फिर बंद हो गया, फिर चालू बंद हो गया, पूरे महीने महिला की ब्लीडिंग बंद नहीं हो रही, पूरे महीने में 2-4 दिन बंद हो रही है बस, तो उस कंडीशन में भी इस टेबलेट को दिया जाता है और इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। डोजेज वही है कि आपकी कंडीशन पे डिपेंड करता है कि कितना डोज आपको देना है। इसके बाद में जिन महिलाओं को एंडोमेट्रियल हाइपरप्लासिया है, यानी कि एंडोमेट्रियम की जो लाइनिंग है, गर्भाशय में एक परत होती है एंडोमेट्रियम की जो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाती, तो उसको कंट्रोल करने के लिए भी इस टेबलेट को दिया जाता है। कई महिलाओं को सिंपल सिस्ट हो गए या फिर पीरियड इनरेगुलर हो गए, पीरियड टाइम टू टाइम नहीं आ रहे, तब भी इस दवाई को दिया जाता है जिससे कि पीरियड
आपके जो इनरेगुलर हो रहे थे इसको लेने के बाद में पीरियड आपके रेगुलर हो जाएंगे, बिल्कुल टाइम टू टाइम आएंगे और हैवी ब्लीडिंग भी नहीं होगी। तो इन कंडीशंस में आपको ये क्रेना एनसीआर टेबलेट दी जाती है। अब इस टेबलेट के डोजेस के बारे में अगर हम बात करें तो ये क्लियरली आपके केस पर डिपेंड करता है कि कितना डोज हमको देना है। अगर आपको 10 mg की टेबलेट दे रहे तो हो सकता है आपकी कंडीशन के अकॉर्डिंग सुबह शाम भी दे सकते हैं, और अगर 15 mg की टेबलेट दे रहे तो वो एक टेबलेट सफिशेंट होती है। अगर एक टेबलेट दे रहे आपको तो नाइट में सोने ते टाइम आपको खाना है, खाने के बाद में ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको पीरियड के 5वें दिन से स्टार्ट करते हैं और 21 दिन पर जाके इसको बंद करते हैं। जैसे ही हम बंद करते हैं 4-5 दिन बाद आपका पीरियड आ जाता है, तो जो हमारा पीरियड साइकिल है वो 28 डेज़ का एक्यूरेट पीरियड साइकिल आपका बन जाता है, ना तो जल्दी ना लेट। तो पीरियड साइकिल को रेगुलर करने के लिए भी हम इसको दे सकते हैं। अभी हम बात करें कि मैडम मैंने पीरियड डिले करने के लिए दवाई ली, मतलब मैं मैरिड हूँ, मैंने पीरियड डिले करने के लिए दवाई ली, 5 दिन दवाई खाई, दवाई ख़त्म होने के बाद में मैंने 10 दिन इंतज़ार किया, मेरा पीरियड नहीं आया और मुझे कंसीव हो गया, मतलब मेरा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आ गया, तो क्या मैं इस प्रेगनेंसी को कंटिन्यू कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती हूँ? तो आप बिल्कुल कंटिन्यू कर सकते हो। इस टेबलेट के हमारी जो प्रेगनेंसी है उस पर कोई भी हार्मफुल इफेक्ट नहीं देखे जाते हैं। ज़्यादा डिटेल के लिए आप अपने डॉक्टर से बात करें इस बारे में। अब हम बात करें कि इस टेबलेट के साइड इफ़ेक्ट क्या रहते हैं। तो इस टेबलेट के वैसे तो ज़्यादा कोई भी साइड इफ़ेक्ट देखने को नहीं मिलते, क्योंकि जनरल टेबलेट है, हर पेशेंट को प्रेफर की जाती है और सभी की बॉडी को ऑलमोस्ट सूट हो जाती है। पर फिर भी अगर आपको जो मैं साइड इफ़ेक्ट बता रही हूँ इस तरह के कोई भी साइड इफ़ेक्ट दिखते हैं तो आपको तुरंत मेडिसिन बंद नहीं करना है, अपने डॉक्टर से बात करना चाहिए, फिर डॉक्टर कुछ अल्टरनेट सॉल्यूशन निकालेंगे तो आपके जो साइड इफ़ेक्ट है वो कम हो जाएंगे। जैसे कि जी मचलना, ब्रेस्ट पेन होना, ब्रेस्ट टाइट होना, कभी कभी आपको स्पॉटिंग दिख सकती है, क्योंकि अगर आप डोजेज में गड़बड़ करेंगे, जैसे डॉक्टर ने आपको 9 बजे रात का दिया, आप किसी दिन 8 बजे ले रहे, किसी दिन 9 बजे या किसी दिन 10 बजे, तो आपको 1-2 दिन बाद यानी कि मॉर्निंग में, सुबह में या परसों के दिन आपको 1-2 बूंद ब्लड दिख सकता है। तो अगर आप अपने डोजेज मेंटेन करके चलेंगे तो आपको ब्लीडिंग की प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं होगी। इसके बाद में जिन महिलाओं के पीरियड्स बहुत हेवी आया करते थे वो थोड़े कम हो जाते, थोड़ा जी घबराना, उल्टी जैसा मन होना, थोड़ी बेचैनी होना या उल्टी जैसा मन होना, नींद कम आना, तो इस तरह के अगर आपको कोई भी साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा दिखते हैं, वैसे आप 4-5 दिन लेंगे आपकी बॉडी को सूट हो जाएगी, उसके बाद ऐसे कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं दिखते, पर फिर भी आपको 10 दिन हो गए खाते खाते, 15 दिन हो गए फिर भी साइड इफ़ेक्ट कम नहीं हो रहे, तो ऐसे में आपको दवाई बंद नहीं करना है, अपने डॉक्टर से बात करनी चाहिए, फिर डॉक्टर आपको जो भी एडवाइस करे वो आप कर सकते हैं। तो आशा करती हूँ इस वीडियो के माध्यम से मैं क्रेना NCR टेबलेट के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी दे पाई हूँ। धन्यवाद।